फ्रेंड्स, वेलकम टू एकता होम फूड्स। फ्रेंड्स, एकता होम फूड्स में आज मैं आपको मूंग दाल का एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाना बताने जा रही हूँ। उसके लिए देखिए, मैंने फ्रेंड्स एक कटोरी मूंग की दाल ली थी, इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। फिर मैंने इसको अच्छे से धो के छन्नी में छान के रख दिया था। जब इसका पानी गर गया है तो मैंने इसको कटोरे में कर लिया है। अब फ्रेंड्स, इसको हमको मिक्सर में डाल के इसको पीस लेना है। थोड़ा थोड़ा, पहले तुरंत पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए, मिक्सर में देखिए थोड़ी सी जो दाल बची थी इसमें हमने थोड़ा पानी डाल के वो भी हम इसी में डाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए, इसमें हमको ये 2 चम्मच हमको सूजी डालनी है और 1 चम्मच बेसन, जिससे कि हमारी ये डिश बहुत अच्छी बने। और अब हमको इससे को अच्छे से मिक्स करके इसमें भी फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा पानी और डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा पानी और डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे कर देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये 5 मीडियम साइज के उबले आलू लिए हैं। हम इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमने अच्छे से आलू मैश कर लिए हैं। अब फ्रेंड देखिए, हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है। अब इसमें फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम ये थोड़ी सी राई या मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। ये मैंने करी पत्ता या मीठी नीम ली है, इसको हमने काट के डाला है। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। मुश्किल से इसको हम 10 से 15 सेकंड तक भूनेंगे और फिर इसमें हम अपने मैश करे हुए आलू डालेंगे। फ्रेंड देखिए, आलू डालने के बाद अब इसमें हमें कुछ मसाले, ये हमने 1/2 चम्मच कुटी लाल मिर्च, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालना है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, सब चीज़ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें फ्रेश कटे धनिया के पत्ते डालेंगे और इसको भी मिक्स करेंगे। फ्रेंड देखिए, 10 मिनट हो गए थे। फ्रेंड्स, हमको बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए ये रखनी है, जैसे हम इडली डोसे का रखते हैं वही कंसिस्टेंसी हमको लगनी है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो आप उसमें पानी मिला सकते हैं। अब फ्रेंड देखिए, हमने एक पैन लिया था, इसको हम फ्रेंड्स ऑयल से ऐसे ग्रीस कर देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स, करछी से हम एक करछी लेते हुए बैटर और इसे डालेंगे। पैन बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और इसको धीरे धीरे हम ऐसे ऐसे फैलाएंगे। ये फ्रेंड्स, हमने इसको पूरे में अच्छे से फैला दिया है। आप चाहें तो और पतला भी कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादा पतला नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे इस डिश में बहुत मज़ा नहीं आएगा। अब इसको ऊपर से ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर देंगे ऊपर से भी, और इसको हम एक तरफ स्लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे। अब फ्रेंड देखिए, जब हमारा एक तरफ से देखिए इतना सिक जाएगा तो हम इसको पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी हल्का हम सेक लेंगे। फ्रेंड देखिए, जब दूसरी तरफ से इतना हल्का सिक गया है तब इसमें फ्रेंड्स ये जो हमने अपना आलू बनाया था ये हम इसको पूरे पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। फ्रेंड ये देखिए, हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब फ्रेंड्स हमको देखिए इसको ऐसे आधा पे मोड़ देना है और ऐसे किनारे किनारे से हमको इसको दबा देना है। और फ्रेंड्स देखिए, अब ये इधर से भी देखिए अच्छे से सिक गया है, इधर से भी देखिए अच्छे से सिक गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड देखिए, हमने निकाल लिया। अब हम इसको देखिए ऐसे पिज़्ज़ा कटर की सहायता से इसको अच्छे से काट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मूंग दाल का बढ़िया सा टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है। देख रहे हैं आप क्या बढ़िया हमारा टेस्टी नाश्ता बनके तैयार है। फ्रेंड्स, इस तरह से मूंग दाल का नाश्ता एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप मूंगफली की चटनी के साथ या किसी भी चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो हर बार तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और फ्रेंड्स, इस तरह से मूंग दाल की टेस्टी स्नैक्स, इवनिंग स्नैक या बच्चों के लिए टिफिन की रेसिपी जरूर से जरूर ट्राई करिए। फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी लगता है।